दोस्तों आज हमारा है फैन द प्रोडक्ट। हमें सिंपली प्रोडक्ट करना है। क्या है प्रोडक्ट में आपको सिंपली सिंपल प्रोडक्ट करना है। आप पहले 3 का 6 से करेंगे तो 3 6 जे कितना होता है 18 होता है और 3 7 जे कितना 21। 21 में एक कैरी कितने हो जाएगी 22 और ये 0 सीधे सीधे उतर जाता है। तो इस टाइम से प्रोडक्ट करते हैं या फिर आप 7 × 30 कर दो तभी भी ऐसे आएगा। 0 का 0 पहले के नीचे करो 18 7 21 ये 22 8 2 2 तो वही आंसर आएगा हमारा। ऐसे हमारा सेकंड है 55 × 80। 8 का फिर पहले किससे करना इन दोनों का 8 5 जे कितना होता है 40 होता है कैरी 4। ठीक है कैरी 4 8 का फिर इससे करेंगे 8 5 जे 44 44 और ये 0 सीधे सीधे उतर जाता है। ये 0 क्या हम सीधे सीधे इस 0 को नीचे उतार देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो गया 44 4400। ओके ऐसे हमारा यहाँ 112 × 40 तो हम सीधे 4 का करते हैं। तो 4 का पहले इससे करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब 4 का किससे करेंगे 1 से तो 4 × 1 = 4 फिर 4 का 1 से 4 × 1 = 4 और ये 0 है जो ये 0 कहाँ पे उतरेगा यहाँ पे। ये हमारा फिर आंसर हो गया। ये हमारा फिर क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है 220 × d पार्ट हम कर रहे हैं 5000। अब देखो हमें 0 से कोई मतलब नहीं इस 0 से नहीं हमें सिर्फ डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 5 × 2 = कितना होता है 10 होता कि नहीं होता 10 कैरी 1 फिर इस 5 का इससे यहाँ 5 × 2 = 10 एक कैरी 11। ठीक है हमने सिर्फ किसका किया डिजिट का किया। ठीक है अब हम 0 गिनेंगे 1 0 तो ये छूट रहा था 1 0 ये लिख दिया और कितने 0 1 2 3 1 2 3 हमें 0 बाद में लगा सकते हैं हम। ठीक है तो इस ढंग से हम इसको सिंपल वे में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके तो थैंक यू।